गर्भ में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य उसकी माता के खान पान व पोषण पर निर्भर करता है। इसी पोषण की महत्ता के प्रति जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मंगलवार को जनपद के आंगनवाड़ी केंद्रों पर गोद भराई की रस्म अदा की गई। इसी क्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुमन चतुर्वेदी ने ग्राम औरतों में आंगनवाड़ी केंद्र गर्भवती को चुनरी उड़ाकर और टीका लगाकर मंगल गीत के साथ गोद भराई की। 6 माह तक नवजात शिशु को सिर्फ स्तनपान कराने के लिए प्रेरित किया गया। जच्चा बच्चा स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहने की आवश्यकता पर जागरूकता फैलाना, प्रसव के दौरान होने वाली शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना इसका उद्देश्य है। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती माता के साथ ही परिजनों को भी अच्छे पोषण पर ध्यान देने की अपील की गई। बेहतर पोषण से स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। गर्भवती माताओं को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उन्हें सवैया भोजन खिलाने, आराम करने, भारी वजन उठाने से रोकने पर भी चर्चा की गई। गर्भवती को उपहार के रूप में पोषण की पोटली दी गई। पोटली में गुड़, चना, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन की गोलियां, पोषाहार व फल था। साथ ही जन्मांध नेत्रबाधित महिला उषा देवी को, जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, उनको माल्यार्पण करके बैज लगाकर सम्मानित किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सुमन चतुर्वेदी ने कहा, शिशु के जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का पीला गाढ़ा दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगले 6 माह तक केवल माँ का दूध बच्चे को कई गंभीर रोगों से सुरक्षित रखता है। 6 माह के बाद बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास काफी तेजी से होता है, जब स्तनपान के साथ ऊपरी आहार की जरूरत होती है। नमस्कार, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुमन चतुर्वेदी और प्रांत सह महिला प्रमुख सक्षम। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी सभी माताओं और बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि माताएं बहनें दूसरों के पालन पोषण का तो बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने खान पान का ध्यान नहीं रखती हैं। आज इसी क्रम में हमने कुपोषण को दूर भगाने के लिए अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर एक गर्भवती माता की गोद भराई की थी, ताकि गर्भकाल से ही माता अपने आने वाले बच्चे को सुरक्षित रख सके और अपने भी पोषण का ध्यान रख सके। दूसरा, हमने जो कि हम दिव्यांगों के लिए भी समाज सेवा का कार्य करते हैं, तो उसमें हमने एक नेत्र बाधित महिला जो कि 60 वर्ष से ऊपर की है, उन्होंने अपने जन्मांध अंधे होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छा पालन पोषण करके उनको आज अपने पैरों पर खड़ा किया है, उनको भी आज हमने सम्मानित किया है। धन्यवाद।